जी, जहाल अभी तक आई नहीं है, मैं जहाल का ही वेट कर रही थी। बाकी गर्म पानी किया मैंने थोड़ा सा अपने लिए और कुकू को, और अपने लिए सेब काटूंगी उसको, क्योंकि अभी नहला नहा के आई ना, तो ठंडा भी लग रहा होगा। चलो धूप देखेंगे, आ जाओ। चलो धूप। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? वेरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी नाश्ता मैंने बना दिया है, चाय बन रही है, तो बस नाश्ता करेंगे और फिर आशीष को ड्यूटी निकलना है दोपहर में, तो तब खाना मैंने अभी तैयार कर दूँगी। काम वाम अभी थोड़े बहुत हुए हैं, थोड़े बहुत नहीं हुए हैं, नहाना धोना भी रह रहा है सबका, तो पहले नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद करेंगे वो सब चीज़ें। और तबीयत ठीक ठाक सी है, मतलब जैकेट वैकेट पहन रखी है मैंने, अभी फीड कराया था कुकू, तो चैन खुली है, तो बस अभी काम वाम करते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है गाइस, ठीक है? और आज आशीष की ड्यूटी रहेगी नाइट, तो वो तो नहीं रहेंगे पर मैं रहूँगी, ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? गुड मॉर्निंग करो मम, बहुत चाहिए आपको, अभी देती हूँ मम्मा। ये कुकू के हम कल कैप लेके आए थे, प्यारी सी कैप। हाँ अभी दे रही मम्मा, अभी दे रही है। गुड इवनिंग गाइस, और ब्लॉग को अब शूट कर रही हूँ मैं, सुबह से काम में ही लगी हुई थी। उसके बाद आशीष बीच में ड्यूटी गए, फिर आए, फिर अभी गए हैं थोड़ी देर पहले, तो आज मंदिर भी जाना नहीं हो पाया मेरा। और कुकू शैतानी कर रही है अभी, मेरा बच्चा। हाँ जी, जहाल अभी तक आई नहीं है, मैं जहाल का ही वेट कर रही थी। फिर हम एक आधी वीडियो बना लेते हैं, फिर बस मैं डिनर करके वही मेरा सोना ही होगा, कहीं जाऊँगी तो हो नहीं मैं, तो ज़्यादा कुछ शूट आप लोग भी सोचते होंगे मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ, ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए, ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए। यार सीरियसली बताऊँ तो मुझे टाइम लगता ही नहीं है शूटिंग का, कि मैं शूट कर पाऊँ कुछ, क्योंकि ऐसे कोई चीज़ होती नहीं है कि वो शूट करने लायक हो। और फिर मैं आपको डेली रूटीन में दिखा ही चुकी हूँ कि हाँ मैं ये सब चीज़ें करती हूँ, तो वो आपको बोरिंग नहीं करना चाहती हूँ, पर व्लॉगिंग करना मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए व्लॉग बनाती हूँ मैं, ठीक है? तो कुकू हेलो कर दे सबको, अच्छे अच्छे कर लो। अभी जहाँ आ जाएगी तो थोड़ी शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, उसके बाद डिनर करूँगी और सो जाएंगे। कुकू की मस्तियाँ दिखाती रहूँगी आपको बीच बीच में, कि क्या क्या करती रहती है पूरा पूरा दिन, तो अभी भी देख लो क्या कर रही है। हाँ भाई क्या कर ले हो? इसको सर पे नहीं पहनते बेटे, सर पे नहीं पहनते इसको, कैप तो पहननी नहीं जाती आपसे सर पे, हैं ये पहनने हैं आपको। गाइज ये अगर किसी को चाहिए हो ऑनलाइन, तो ये मैंने अमेजोन से मंगवाए थे या मीशो से मंगवाए थे, मुझे याद नहीं है। तो ये नीचे आप ये मत सोचना गंदा है, ये ना आशीष ने इसके नीचे ना इसको बैलेंस बनाने के लिए इस पर कुछ चिपकाया था, तो ये फेविकॉल है जो चिपक रखा है गंदा गंदा, तो ये छूटा भी नहीं था, ठीक है ना? तो ये गंदी नहीं है, ये घर में पहनने की है। और ये इतनी सॉफ्ट है ना, और ये फ्री साइज़ है, मतलब लड़की का चाहे कितना भी बड़ा पैर हो ये हर लड़की के पैर में आ जाएगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मुझे 9 नंबर आता है, तो ये मेरे ठीक आता है, बहुत अच्छा आता है, मतलब पूरा फिट हो जाता है। तो आपको चाहिए हो तो मंगा लेना, 500 रुपये के थे ये दोनों, मतलब एक जोड़ी 500 रुपये के थे। ऑनलाइन देखना, अब पता नहीं सस्ते हो रहे हैं कि महंगे हो रहे हैं वो नहीं पता मुझे, लेकिन बहुत कंफर्टेबल और बहुत सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा गर्म, मतलब अपने साइड इसको ज़्यादा मतलब यूज़ में आएंगे ये, जिसको भी चाहिए हो तो वो खरीद सकता है। वो भी खेली खेली कर लेती है इनके साथ, तो ना गिरती रहती है, बस बस गिरती रहती है। गाड़ी में खेलना है तो खेल लो। अभी इसको बैठना नहीं आता इस पे, ये बैठने में ना पीछे गिर जाती है, क्योंकि बैलेंस बनाना पड़ता है ना इस पे, तो इसलिए अभी इसे बैठना नहीं आता, पर कोई नहीं सीख जाएगी धीरे धीरे करके, सब सीख जाएगी, है ना कुकू? सब सीख जाओगे आप। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज रहे हैं अभी, और काम वाम सब हो चुके हैं मेरे, बस मुझे नहाना है अभी। तो नहाने से पहले मैं क्या करूँगी, कुकू को फीड कराऊँगी, और उसके बाद ना उसको एप्पल वगैरह काट के दे दूँगी, ताकि वो उसमें बिजी हो जाए, और फिर मैं नहाने चली जाऊँ। तो रात को ब्लॉग तो नहीं करा मैंने कंटिन्यू, मैंने बीच में मतलब शूट ही नहीं करा मैंने, कुकू को सुलाना था जल्दी, तो इसलिए उसको मैंने जहाल को थोड़ी देर के लिए दिया, मैं डिनर वगैरह किया, उसके बाद हम दोनों ही सो गए।
तो ऐसा कुछ था। बाकी गर्म पानी किया मैंने थोड़ा सा अपने लिए, और कोको को और अपने लिए सेब काटूंगी। बस दिन की शुरुआत हो चुकी है, इसी तरह से होती है। आशीष अभी आए नहीं है, उनसे मैंने पूछा था तो वो बोल रहे थोड़ी देर बाद आऊँगा मैं, तो तब तक मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बना लूँगी अपने लिए। उनके लिए बनाना होगा तो उनके लिए भी पूछ लूँगी, ऐसा कुछ है अभी। तो कोको यही है मेरे पास खड़ी है, आपको दिखेगी नहीं। हाँ जी, एप्पल आपको चाहिए? अभी देंगे, अम्मा देंगी आपको। यहाँ पे ना सुबह सुबह थोड़ी बहुत ठंड रहती है, तो उस टाइम मैं अपना हुड डाल लेती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं फिर ऐसी हो जाती हूँ नॉर्मल, क्योंकि फिर तब काम करते ना गर्मी लगती है। पर थोड़ा कुकू का ही ध्यान रखना पड़ता है, बाकी तो चल जाता है सब कुछ। यहाँ पे ठीक है मौसम, मतलब इतनी कोई ठंड नहीं पड़ रही है, सुबह शाम की है थोड़ी सी ना। अच्छा, 1 hour later। गाइस, कोको को भी नला के लेके आई हूँ, तो इसको पसंद है कि मैं इसके पीछे पीछे भागती हूँ, तो मैं पकड़ो पकड़ो चिल्लाती ना, तो ये भाग आगे भागती रहती है। पकड़ो 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 कोको, पकड़ो 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 पकड़ो, चलो पकड़ो 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 पकड़ो। अरे 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 मेरा बेटा, अरे 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 अरे, कहाँ भागोगे कहाँ भागोगे मम्मा जी, दूर कहाँ भागोगे भाई, कहाँ भागोगे सुने, कहाँ भागोगे आप, कहाँ जाओगे आप, यहाँ जाओगे, ये आपसे खुलेगा नहीं, इधर को जाओ इधर को जाओ, चलो जाओ, चल जल्दी पकड़ो 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 पकड़ो, भागो 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 भागो। इसे ऐसे खिलाती हूँ ताकि ये थोड़ी थक जाए और अच्छी नींद ले पाए, और जितना चलेगी उतना अच्छा है, स्ट्रांग बनेंगे इसके पैर और भी ज़्यादा। तो घर में तो ये पूरा दिन चलती ही रहती है ऐसे करके ना। और थोड़ा धूप दिखा देती हूँ, कुकू के अभी नहा के आई ना, तो ठंडा भी लग रहा है। चलो धूप देखेंगे, आ जाओ, चलो धूप देखेंगे, चलो बाहर चलो। अब बहुत अच्छी धूप निकल रही है गाइस, इसे नहाने के बाद मैं धूप जरूर दिखाती हूँ ताकि इसको अच्छा फील हो जाए, तो ज़्यादा ठंड ठंड नहीं लगे। देखो गेट की तरफ ही जाएगी ये इसका रोज का काम है मेरे बच्चे का। कुकू इधर आओ, मम्मा पास आप, आजा आजा छोना, आजा मेरे लड्डू, मेरा बच्चा। पारी पारी कर दो मम्मा के, पारी पारी कर दो, नहीं करोगे पारी पारी, नहीं करोगे पारी पारी, मम्मा की पारी पारी, मेरा बेटा गिर मत जाना, बैठ जाओ यहीं पे। मैं से बैठ जाती हूँ ना तो इसको भी लगता है बैठना चाहिए, तो बैठ जाती है। कुकी कुकु छोना छोना, क्या कर रहा है कुकू, कुकू कुकू, इसको ये लॉक लगाना आ गया, और ये इस गेट का भी लॉक लगा देती है, और अंदर वाले गेट का भी लॉक लगा लेती है। अब इसको खोलना भी सिखाना पड़ेगा, वरना कभी लगाना ही लगाना सीखेगी तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, तो खोलना भी सिखाना पड़ेगा। कुकू उसको इस तरफ खींचो, लॉक लगा के ना संतुष्टि मिल गई कि अब अंदर कोई आ नहीं सकता, उसको पता है सब चीज़ें। बच्चे बहुत एडवांस है, जो भी अब जनरेशन आ रही है ना सारी, वो सब बहुत एडवांस है, छोटे छोटी इसी उम्र में ही इतना सब कुछ सीख जाते हैं ना, पूछो मत। ओ छोना छोना पूरा टाइम खेलने कूदने में रहती है, अच्छी है एक्टिवनेस इसकी, अच्छी है, काफ़ी लोग कहते हैं एक्टिव बहुत है, लेकिन वो मेरे लिए थोड़ा सा वो हो जाता है मुश्किल संभालना इसको पूरा दिन, तो मैं इतना इसे कंट्रोल नहीं करती हूँ, करने दो जो कर रही है, ठीक है अपना खेलती रहती है। A few moments later. Good afternoon guys, और अभी 12 बज चुके हैं, 12 से भी ऊपर का टाइम हो रहा है, और ये मेरे जो ना बेबी हेयर्स है ना, ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं अब, मतलब बड़े बड़े हो गए हैं तो खड़े रहते हैं, इतने बड़े भी नहीं हुए और ज़्यादा वो भी नहीं हुए। देख रहे हो आप कैसे ऐसे करोगे ना सर को, तो ये आपको सर पे ही नज़र आएंगे सारे, और ऐसे
नॉर्मल ऐसे कर लूँगी तो आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन बहुत बुरे लगते हैं यार, क्या करूँ मैं इनका, तो ये दिक्कत है एक मेरे साथ। मैं चाहे ऑयल लगा लूँगी तो भी ये खड़े हो जाएंगे तो अजीब, और ऑयल लगा के तो और भी गंदे लगते हैं ये, अभी तो फिर भी थोड़े ठीक लग रहे हैं। तो खैर वो छोड़ो, ये बातें मैं करने नहीं आई थी। मैंने पार्सल मंगाया था एक, आजकल ये वॉर्म लेगिंग्स बहुत चल रही हैं, तो अब हम घर जाने वाले हैं ना, तो अभी से तैयारी स्टार्ट हो चुकी है कपड़े लेने की, कुछ यहाँ से ले रहे हैं कुछ वहीं से लेंगे जो भी चीज़ें हमें लगेंगी। तो मैंने ये मंगाई है और ये बहुत प्यारी आई है गाइस, बहुत प्यारी, बहुत मतलब बहुत सॉफ्ट है फैब्रिक इसका, और अंदर से पूरे थोड़ा सा ना वैसा वॉर्म है अंदर से, हालांकि मटेरियल मुझे थोड़ा पतला लग रहा है, मतलब कि ज़्यादा कुछ खास है नहीं, सी थ्रू भी हो कह सकते हो आप, लेकिन वॉर्म है, मतलब मैंने पहन के देखी अभी आपको दिखाने से पहले, मैंने पहन के देखी थी तो ये वॉर्म है, गर्म है, मतलब काम चल जाएगा इससे, और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। तो बस ऐसे ही बता रही हूँ, अगर मेरी इस वीडियो से मतलब कुछ लोग मेरी वीडियो देखे हैं तो उन्हें अगर हेल्प हो ये लेने के लिए, और ये मैंने मीशो से ली है और इसका प्राइस है 287, मतलब 250-300 ही मान लो, चलो 300 की ये लगी है, और 300 में रुपये में कोई बुरा नहीं है यार, इसको आप पूरी सर्दी निकाल सकते हो जो ज़्यादा ठंड वाले एरिया में रहते हैं। तो हम घर जाने वाले हैं ना, इसीलिए मैंने ये मंगाई है, मेरे काम आ जाएगी अब। तो अभी मैं काम कर लेती हूँ क्योंकि मुझे अक्सर काम करना है। ओके, गुड इवनिंग गाइस, शाम के 5 बज रहे हैं अभी, ठीक है, और हम लोग निकल रहे हैं अभी डॉक्टर के पास क्योंकि आशीष को एक प्रॉब्लम हो रही है, दिखाती हूँ अभी आगे चल के आपको। तो गाइस मैंने आपको बताया ना कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं, ये दिख रहा है, ये आशीष के 4-5 दिन हो गए हैं ये फुंसी नहीं ठीक होने में आ रही है। डॉक्टर के पास पहले भी गए थे, उन्होंने दवाई दी थी फोड़ने की, इसको पकने की, लेकिन वो पक तो गई है, फूट नहीं रही है, तो डॉक्टर ने फिर आज दोबारा से बुलाया है कि आप आ जाओ, तो इसलिए जा रहे हैं। और इनके इसके वजह से ना इनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि सर पूरा भारी हो रहा है, और ये जो हाथ है इससे भी थोड़ा काम कम हो रहा है, तो इसे ठीक करना भी ज़रूरी है। क्या कर सकते हैं, वो दर्द में बेचारे उनका दर्द मैं भी नहीं देख पा रही और वो झेल भी नहीं पा रहे, थोड़ा नींद भी नहीं आती, ऐसे ही रहते हैं फिर वो, देखना कितनी मोटी हो रही है बहुत ज़्यादा, क्या करूँ मैं। जा रहे हैं डॉक्टर पास, देखना क्या बोले, कुकू यहाँ आगे बैठी हुई है मेरे पापा के पास मजे से। ये कैप मुझे बड़ी सुंदर लग रही है इसके ऊपर ना। घर चलते हैं और कुकु मेरे पापा की कैप खींची जा रही है, कैप भी काफ़ी खींच रहा है मेरा बेटा, इसको नींद भी आ रही है इसलिए परेशान सी हो रही है, तो हमने सोचा घर चलते हैं, चलो घर जाके सोएंगे आराम से, ज़्यादा घूमना फिरना तो नहीं करा हमने, थोड़ी दूर तक गए थे फिर वापस आ जा रहे हैं, मतलब घर वापस, चलो गाइस घर चलते हैं। A few moments later. तो गाइस हम लोग घर आ गए हैं और कुकु सो चुकी है, बाइक पे ही सो गई थी तो मैंने उसे अंदर रूम में सुला दिया, आशीष की मॉर्निंग ड्यूटी है तो हम लोग भी अब सो जाएंगे, खाना वाना हमने पहले ही खा लिया था, ठीक है, और हो सकता है कल या परसों में माँ मामी फिर से आ जाएं क्योंकि मामी को थोड़ा ट्रीटमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पर जहाँ पे वो रहते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट हो सकता है यहाँ से चले, मुझे नहीं पता अभी कि वो सिर्फ चेकअप के लिए आ रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए ट्रीटमेंट के लिए आएंगे, तो वो तो बाद में पता लगेगा, पहले वो उन्हें आने देते हैं, तो कल या परसों में वो आ जाएंगे, ठीक है। और व्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ, जितना मेरे से हो रहा है मैं शूट कर रही हूँ और व्लॉग डाल रही हूँ, बाकी तो यार घर घर के ही व्लॉग है अभी,
चलो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में. वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब कर भी मत जाना चैनल को. ओके गाइज बाय, गुड नाइट, सुबह में ध्यान रखिए. सर्दी बहुत होने लगी है अब, जामनगर में भी रात को और सुबह ज़्यादा हो रही है. दिन में तो नॉर्मल रहता है, गर्मी लगती है, लेकिन यह है कि सुबह शाम की हो रही है. तो सब अपना ध्यान रखिए, बाय बाय.